हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, सितंबर का महीना बस जाने ही वाला है और अक्टूबर शुरू हो रहा है और ये मौसम है गुलाब के बारे में अच्छी केयर करने के लिए। और गुलाब में कौन कौन से केयर आपको करना है इस अक्टूबर के महीने में या सितंबर जब जा रहा हो तो ऐसे टाइम में, तो उसकी पूरी डिटेल आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यूँ तो गुलाब मेनली सर्दियों का फूल माना जाता है, लेकिन अगर आप उसकी केयर ठीक ढंग से करें तो गुलाब में आपको गर्मियों के मौसम में भी अच्छे खासे फूल मिलेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपके गुलाब में बहुत अच्छे फूल नहीं आ रहे थे तो तैयार हो जाइए, अब इस सर्दी में बहुत सुंदर सुंदर फूल आपके पौधे में आने वाले हैं। बस थोड़ा सा इस समय आपको उस पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, अगर आप गुलाब के शौकीन हैं और अच्छे अच्छे गुलाब के कलेक्शन अपने बगीचे में करना चाहते हैं तो यही वो मौसम है जिस समय आप गुलाबों की खरीदारी कर सकते हैं। और नर्सरी में बहुत सारे पौधे इस समय तैयार हो रही हैं या काफ़ी सारे पौधे तैयार हो चुके हैं और बस 10-15 दिन बाद से इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस समय आप रंग बिरंगे जो गुलाब है वो ला करके अपने बगीचे में उसको शामिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास गुलाब के पुराने पौधे हैं तो उसमें कौन सी केयर करनी है तो उसके बारे में आज का मेन ये वीडियो है, तो उसी बारे में चलिए हम बातचीत करते हैं। दोस्तों, जो सितंबर का महीना होता है उसका लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक, तो इस दौरान आपको अपने पुराने जितने भी पौधे हैं गुलाब के तो उनकी अच्छे से प्रूनिंग कर देनी चाहिए। प्रूनिंग दोस्तों कैसे करनी है, इसके लिए दोस्तों अगर आपका पौधा छोटा है, अगर एक साल का पौधा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो केवल ऊपर ऊपर से आप प्रूनिंग करें। और अगर पौधा आपका काफ़ी पुराना है तो आप जो है थोड़ा सा हार्ड प्रूनिंग उसकी कर सकते हैं। लेकिन पौधे में अगर केवल एक डंडी है और बहुत ऊंचा है तो उसमें जो है एकदम से नीचे से प्रूनिंग ना करें। जब कुछ साइड ब्रांचेस निकल रहे हों तो उन साइड ब्रांचेस की प्रूनिंग आप कर दें, तो इससे और भी साइड ब्रांचेस निकलेंगे और पौधा जो है बहुत बुशी और घना हो जाएगा। दोस्तों, गुलाब की प्रूनिंग करते समय एक विशेष ध्यान हमें ये रखना होता है कि हम जिस चीज़ से भी प्रूनिंग करें, चाहे वो कैंची हो, कटर हो, तो उसको एक बार सैनिटाइज ज़रूर से कर लेना है, क्योंकि गुलाब में सबसे ज़्यादा डाईबैक की समस्या आती है। और ये डाईबैक जो है, जो भी अगर कोई भी विषाणु वगैरह लगे होते हैं कैंची पर या आपके कटर पर, तो वो वायरस जो है नुकसान पहुंचाता है और उसी से जो है जो गुलाब का पौधा है ऊपर से नीचे की ओर मरते हुए जाता है। दूसरे पौधों में ये समस्या कम दिखाई देती है, तो इसलिए अवश्य से कैंची को या अपने कटर को सैनिटाइज कर ले। दोस्तों, प्रूनिंग जब भी करें तो नीचे से कम पौधे को 1-1.5 फुट छोड़ करके उसके ऊपर से ही प्रूनिंग करें। और ये जो छोड़ना होता है साइज़ नीचे से, तो ये पौधे की हाइट पर डिपेंड करता है। अगर गमले में है तो लगभग 1 फुट आप जो है नीचे से छोड़ दें और उसके ऊपर से प्रूनिंग करें। और अगर ज़मीन में है, काफ़ी बड़ा पौधा है, तो आप जो है 1.5-2 फुट ऊपर से भी प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका पौधा ज़मीन में है तो ज़मीन में गुलाब के पौधे के चारों ओर खोद करके वहाँ पर जो पुरानी गोबर की खाद है उसे या वर्मी कंपोस्ट है उनको डालें और चारों ओर से डालें अच्छे से। तो इससे जो है, क्योंकि अब फ्लावरिंग का सीज़न आ रहा है, तो पौधे को काफ़ी अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपका पौधा गमले में है तो उसको इस समय ज़रूर से रिपोर्ट कर दें। पहले आप प्रूनिंग कर ले और प्रूनिंग करने के 1-2 दिन बाद उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। गुलाब का पौधा अगर आप नर्सरी से ला कर के लगा रही हैं तो आप जो है 8 इंच के टब में लगा सकते हैं।
और थोड़ा बड़ा हो गया हो तो फिर 10 इंच, और काफ़ी बड़ा हो गया हो तो फिर 12 इंच के पॉट में रिपोर्ट कर सकती हैं। दोस्तों, जब भी आप इसके लिए सॉइल मिक्स तैयार करें तो जो भी गार्डन सॉइल है और जो कंपोस्ट है या गोबर की खाद है, दोनों को आधा आधा ले लें, और साथ में थोड़ा सा रेत भी मिला दें, लगभग 20%। इतना अगर आप मिलाएंगे तो आपकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन रहेगी। दोस्तों, अपना जो पॉटिंग मिक्स है तो उसमें अगर नीम खली थोड़ा सा मिला हुआ होगा तो ज़्यादा बेटर है। तो लगभग आधी मुट्ठी आप नीम खली का यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जो है आप सरसों की खली जो पीसे हुए फॉर्म में होता है तो उसको भी वैसे ही थोड़ा सा आप मिला सकते हैं, आधे मुट्ठी के लगभग। इसके अलावा दोस्तों, आधा चम्मच जो फंगिसाइड पाउडर है वो आप उसमें मिला दें। फंगिसाइड में आप साफ ले सकते हैं, बेवस्टीन ले सकते हैं, या इसके अलावा भी जो भी आपके आसपास फंगिसाइड मिले तो उसको आप ले सकते हैं। और अगर फंगिसाइड नहीं है तो ऐसे में आप 1-2 चम्मच जो हल्दी है उसका यूज़ कर सकते हैं। सॉइल मिक्स पहले से रेडी करके रखें, और उसी सॉइल मिक्स में आप 1 हफ्ते बाद जो है पौधे को लगा सकते हैं। सॉइल जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। पौधे को रिपोर्ट करने के बाद कभी भी उसको डायरेक्ट सन में ना रखें, बल्कि 2-4 दिन 5 दिन उनको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखें, जहाँ कि केवल मॉर्निंग में हल्की फुल्की धूप आती हो, लेकिन बिल्कुल कमरे के अंदर भी ना रखें, बाहर साइड में ही उसको रखें। अगर आप पौधा नर्सरी से खरीद करके ला रहे हैं तो जिस भी पॉट में वो पौधा हो या जिस पॉलीथीन में वो पौधा हो उसी पैक में ही आप उसको कम से कम 1 हफ्ते रहने दें, और घर में जो है थोड़े से शेडी एरिया में या दूसरे पौधों के साथ हल्के से शेड में ही उसको रखें, डायरेक्ट सन में ना रखें। दोस्तों, हर 15 दिन में एक बार आपको फंगिसाइड का स्प्रे अपने पौधों में करना है, और उसी तरह से हर 15 दिन में एक बार कोई पेस्टिसाइड का यूज़ करना है जिससे कि कीड़े मकोड़े ना रहें। चाहे तो आप नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपने एक संडे को आपने नीम ऑयल का यूज़ किया तो अगले संडे को आप इसमें कोई भी फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर सकती हैं, और इसके अलावा महीने में एक बार कोई एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर दे, और चाहे तो एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 का स्प्रे भी आप महीने में एक बार कर सकती हैं। पौधे को रिपोर्ट करने के 20-25 दिन बाद से आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र में कभी आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, तो कभी जो केले के छिलके हैं तो केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, और इसके अलावा जो सब्जियों के छिलके हैं उनका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बीच बीच में आप देते रहें। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी जानकारीपूर्ण आपको लगा होगा, और आप भी अपने घर में आप गुलाब को इसी तरीके से केयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने दोस्त असीमानंद को दीजिए विदा। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।